फतेहाबाद जिले में लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए इलाके की प्रगतिशील किसान अब धान की परंपरागत बिजाई को छोड़ सीधी बिजाई की ओर मुंह कर रहे हैं। धान की बिजाई से जहां एक ओर पानी की बचत होगी, वहीं किसान को भी लाभ होगा। इलाके के बहुत से किसान अब धान की सीधी बिजाई को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। धान की उन्नत खेती करने वाले किसानों का कहना है कि धान की परंपरागत बिजाई करने में पौध तैयार करने और रोपाई करने में खर्च के साथ साथ अत्यधिक मात्रा में पानी की खपत होती है, जिससे किसानों को समय और आर्थिक रूप से बोझ अधिक पड़ता है। वहीं धान की सीधी बिजाई करने में ना तो पानी की अधिकतम खपत होती है, ना ही खर्च बढ़ता है। नमी वाली जमीन पर सीधी धान की रोपाई की जाती है। किसानों का कहना है कि इस पद्धति से खेती करने में समय के साथ साथ लेबर की भी कम जरूरत होती है। धान की पौध तैयार करने से लेकर बिजाई करने तक के सीजन के दिनों लेबर की समस्या हो जाती है, जिससे महंगे दामों पर लेबर मिलती है और उन्हें अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके विपरीत सीधी बिजाई में ना तो समय खराब होता है, ना ही लेबर की आवश्यकता पड़ती है और साथ में उपज भी परंपरागत खेती से अधिक प्राप्त होती है। जो धान की सीधी बिजाई करेंगे, इससे हमें फायदे फायदे हैं। नंबर एक तो जिस तरह आज के दिन जो है लेबर नहीं मिलती धान, यदि हम पौध द्वारा तैयार करके लगवाएंगे तो, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 रुपये एक एकड़ का खर्चा है यदि आप बिजाई किराए से भी करवाएं तो, और उसमें 3 से 3,500 रुपये अपना खर्चा लगता है। और उसके लिए हमें एक महीने तक पौध की बड़ी संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि मौसम बहुत ही गर्म होता है उस टाइम में जब हम पौध तैयार करते हैं। तो इसमें ये कोई रट्टा नहीं, सीधी बिजाई करते हैं तो इसमें पैदावार इसलिए बढ़िया होती है क्योंकि इसमें एक तो जो वायु का जो संचार है वो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि कतारबद्ध बिजाई होती है तो इसमें से हवा का संचार बहुत बढ़िया होता है, उससे जड़ों को भी जो हवा मिलती है और इससे पैदावार बहुत बढ़िया होती है। जहाँ तक बात है पानी की, तो इसमें आप एक बार यदि पानी लगा देंगे और उगने के बाद हम इसमें चाहे 10वें दिन पानी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो हम दूसरे पौध तैयार करके लगाएं तो इसमें हमें लगभग 3रे दिन तो पानी देना ही देना पड़ेगा। इस प्रकार इसमें पानी की भी बचत है और पैदावार भी बहुत बढ़िया होती है। तो पानी इसमें जी 50% तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो, और ऐसे ही बीच में बारिश हो जाती है तो पानी की ज़्यादा विशेष जरूरत पड़ती नहीं इसमें, तो बहुत बढ़िया बचत रहती है पानी की। हम धान की बिजाई 4 साल से कर रहे हैं और बढ़िया पैदावार हो रही है और लेबर की भी समस्या सारी ख़त्म हो रही है। सीजन के टाइम में लेबर मिलनी बहुत ही मुश्किल हो जाए, तो उस टाइम में फिर ढूंढना पड़ा आदमी ने भी मिले को नहीं, तो फिर एक मशीन खुद की बनवा ली, कृषि विभाग वालों जानकारी ले गए, फिर अब 4 सालों कुछ परसेंट अपने खेत में बिजाई सीधी बिजाई कराई मशीन हूँ, और 8 किलो बीज पर एकड़ पड़ता है इसका बीज, 8 से लेकर 10 किलो तक, और बढ़िया है, इसकी पैदावार भी बहुत बढ़िया निकलती है, और जो वो रासायनिक दवाइयों की और खाद की उसकी भी बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो पानी की कितनी खपत कम होती है? पानी की लगभग जी आधो ही मानो थे, आधो पानी लगाना पड़े और बारिश बुरिश हो जाए तो ब्यूम भी बहुत सारो लग जाए और पैदा और बीमारी भी बहुत कम आवे, नीचे जो ऊपर अपर बीमारी आवे खुला आर पार हवा होने के कारण बीमारी ऊपर गिर और जड़ा की बीमारी बहुत कम आवे। तो ये जो बिजाई है वो कैसे की जाती है, ये धान की बिना पानी के सीधी बिजाई करते ये साहब कैसे की जाती है? पहले हमने लेजर लेवलिंग जो कंप्यूटर कराया बोला देसी भाषा में वो लगवा के फिर सुक्के से बढ़िया बिजाई करके फिर ऊपर से एक पानी लगा दो, फिर 5वें दिन उगजे, उगने के बाद में एक पानी लगा के फिर 15 दिन में 10 दिन में एक पानी लगाए जो बहुत है। तो पानी की काफ़ी बचत होती है, बहुत बढ़िया बचत हो जी। इतना गेहूँ में पानी लगा ना 72 आने पे, तो उगने के बाद में से 72 आने के बाद में पानी लगाए जो जी। तो आप किसानों को क्या संदेश देंगे कि इस तरह की बिजाई? मैं किसानों को ये संदेश दूँ भी पानी की बचत हो, आने वाली पीढ़ी ने भी पानी की जरूरत है, हर बार एक 20 फुट की पाइप नीचे गेरा बोरा में बेंगी किन की बचत होगी, पानी नीचे जाने लग रहा है, पीढ़ी खातर भी पानी छोटा धान की सीधी बिजाई करा। वहीं इस मामले में कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग लगातार किसानों को धान की सीधी बिजाई करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इलाके में लगातार गिरता भूजल स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। अगर किसान इस मामले को थोड़ी सी गंभीरता से ले तो जहां एक ओर पानी की बचत होगी और वहीं किसानों को भी लाभ होगा। उनका कहना है कि सरकार भी ऐसे किसान जो धान की सीधी बिजाई करने के इच्छुक है उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। इसमें जो है सरकार और विभाग जो है जो पानी की बचत के लिए ये कर रहे हैं, सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है कि जो DSR जिसे हम धान की सीधी बिजाई डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस जो है उसको दिनों दिन बढ़ावा देने की जो है मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कुछ किसान पिछले 3-4 सालों से सरकार और किस विभाग का सहयोग कर रहे हैं और वो आगे आए हैं
इसी के तहत जो है इस साल अभी तक हमें CDP में जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हमारी स्कीम है उसमें हमें DSR का टारगेट मिलता वो नहीं आया। इस साल जो है 7 ज़िले ही लिए हैं, इसमें फतेहाबाद ज़िला भी सम्मिलित नहीं हुआ है। फिर भी हमारी जो हम आत्मा एक स्कीम है, आत्मा टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के तहत जिला स्तर पर हमने जो है टोहाना और रतिया जो क्षेत्र है उसमें प्रदर्शन प्लाट हमने इसमें लगवा रहे हैं, उनको हम किसानों को अनुदान उनमें बीज का या अन्य जो भी खरपतवार नाशी दवाइयाँ होती हैं उनके सब्सिडी के रूप में उनको हम उपलब्ध करवा रहे हैं और अन्य किसानों को भी उसको प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं कि ये वाकई में एक कामयाब स्कीम है, इसको अपनाएं और पानी की बचत करें। उत्पादन की दृष्टि से हम बात करें तो इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। जो DSR है यदि उसको हम वीड मैनेजमेंट किसान जो है खरपतवार नियंत्रण टाइम पर कर लेता है तो इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता, बल्कि जो है इनपुट कॉस्ट घट जाती है। जो है जैसे हम सबसे अमूल्य में कहूँगा, बहुमूल्य नहीं पानी है, वो हमें किसी भी कीमत पर आने वाले भविष्य में मिलने वाला नहीं है, तो एक वो सबसे बड़ी बचत इनपुट कॉस्ट की है। फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।